राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में इंदौर के रीगल चौराहे पर भी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने का कांग्रेस ने विरोध जताया। तो अडानी मुद्दे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के बाद संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतरे। सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक प्रदर्शन रैली निकाली। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा, सरकार चुनाव में जीत कर आए लोगों को डरा धमका रही है। संविधान को बचाओ, कानून के तहत हुकूमत करो, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जब कानून को अब हाथ में लेंगे तो देश में डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी और किसी को आजादी नहीं रहेगी, ना बोलने की आजादी, ना अपने कहने की आजादी नहीं रहेगी, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा है कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करके सरकार ने गलती कर दी है। संसद के नियम, देश का संविधान, भारत का कानून को बलाए ताक रखकर जिस तरह से वे राहुल गांधी जी के स्पष्ट वक्तव्यों पर परेशान हैं, घबराए हुए हैं, वो वही कर रहे हैं जो कोई कायर करेगा। और ये तो शुरुआत है। जितनी तेजी से उन पर अब प्रहार होगा उससे और ज़्यादा वे गलतियां करेंगे। ये बहुत बड़ी भूल की है भारतीय जनता पार्टी ने, दो भूल की, जेपीसी स्वीकार ना करना और राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करना और उनको मैक्सिमम पनिशमेंट जो दिलवाना। मैं इसलिए दिलवाना कह रहा हूँ कि जिसने मांग की, जो पिटिशनर है वो तो उन्हीं का आदमी है। एक और जहां राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर ब्लैक मार्च निकाला, तो वहीं इंदौर में भी राहुल गांधी के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी लामबंद हुए और रीगल चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने अपने इस विरोध प्रदर्शन को संकल्प सत्याग्रह का नाम दिया है। इस प्रोटेस्ट में शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बहरहाल 4 साल पुराने मानहानि के एक मामले में गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूरे देश में राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीम न्यूज़ 8।